जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा। क्रोशियन एम्बेसी में अभी प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट तो चल रहा है। एक ब्रेकिंग न्यूज यही है कि हमने कुछ मित्रों की फाइलिंग की थी, यानी फाइलिंग का मतलब समझते हैं, हमने उनका VFS का स्लॉट का बुकिंग किया था और उनकी फाइलिंग की थी और उनका सबमिशन डेट था 24 मई दिल्ली VFS सेंटर। तो कल मुझे 1 अगस्त को शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच मेल आ चुके थे, उनके कोरियर डिस्पैच के मैसेज आ चुके थे और उन सभी की जॉब पोजीशन में फिर से आपको बताना चाहूंगा वेयर हाउस वर्कर की थी। तो उन सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके भी वीजा ग्रांट हुए हैं। और आज 2 अगस्त है तो शाम तक मुझे वो पासपोर्ट मिल सकते हैं। तो इसमें हमारा केवल योगदान कहें या हमारा जो सर्विस थी, केवल हमने उनका VFS का स्लॉट का अपॉइंटमेंट बुक किया था और उनकी फाइल रेडी की थी और 24 मई दिल्ली VFS सेंटर था और 23 मई को भी हमने कुछ सबमिशन किए थे। हालांकि 24 मई के हमारे पास पहले ही अपडेट आ चुकी है, तो हो सकता है आज अपडेट आ जाए 23 मई वालों की या नेक्स्ट वीक जो 6 से लेकर 9 अगस्त है, क्योंकि 5 अगस्त को मित्रों छुट्टी है। तो मैं सभी मित्रों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे ज्यादा क्वायरीज हमारे पास आ रही है कि हमारा 14 मई का है और 10 मई का है तो हमारा स्टेटस चेंज क्यों नहीं हो रहा है। तो सर, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। देखिए, आपके सामने मैं प्रूफ मैंने हमारे ग्रुप में लगाया है और आपको लाइव के अपने वीडियो के माध्यम से भी आपको फिर कह रहा हूं कि हमारे 24 मई के सबमिशन थे, उनके कल कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिल चुके थे, मेरे पास टेक्स्ट मैसेज भी आ चुका है। और तो आप 10 मई और 14 मई वाले मित्र बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा समय लग रहा है। किसी किसी केस में फिर कहूंगा 60 से 80 दिन अभी एम्बेसी का टाइम प्रोसेस चल रहा है, क्रोशियन एम्बेसी भारत के अंदर 60 से 80 दिन में जो आपकी फाइल का डिसीजन आ रहा है। जो हमारे पास कल डिसीजन आए हैं वो पूरे 70 दिन में आए हैं, तो आप काउंट कर लीजिएगा। तो आपके भी अगर 60 से लेकर 80 दिन हो रहे हैं तो आपका भी किसी भी वर्किंग डे में आपका कोरियर डिस्पैच का मैसेज आए, मैं तो यही कहूंगा आपका डिसीजन आ सकता है। तो आप सभी को वेट करना है। और एक सबसे ज्यादा मेरे पास क्वायरीज आ रही है और एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ एसोसिएट्स के द्वारा जो वाकई में जेन्युइन तरीके से प्रोसेस नहीं कर रहे, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि जो हमारे मित्र हमें कॉल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि क्रोशिया में अभी 2 महीने का समर वेकेशन हमारे एजेंट बंधु हमें बता रहे हैं, जिससे भी आपने प्रोसेस किया है वो मैटर नहीं करता। तो मैं आपको एक क्लियर कट कहना चाहूंगा कि अगर 2 महीने का समर वेकेशन है, अगर आप मान लीजिए आपकी होम कंट्री में भी हैं, आपको समर वेकेशन मिला है, तो क्या आप 2 महीने तक पूरे आपकी कंट्री में ट्रेवल करने चले जाते हैं? हो सकता है आप 15 से 20 दिन, मान सकता हूं आप वर्क ट्रेवल करने जाते होंगे। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो आपकी, अगर आप देखा होगा, आप 10 से 15 दिन या 20 दिन मैक्सिमम का एक ट्रेवल प्लान बनाते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर घूमना है, उत्तराखंड जाना है, हिमाचल जाना है या केरल जाना है या कहीं का भी आप प्लान सेटअप करते हैं। तो ऐसे ही फॉरेन कंट्री में भी जो एम्प्लॉयर्स हैं वो 10 से 15 वर्किंग डे का ही प्लान करके चलते हैं कि हमें सी साइड पे जाना है, जहां पर भी उनको ट्रेवल करना होगा, वॉट एवर मैटर नहीं करता। तो अगर आपके एसोसिएट्स बोलते हैं कि 2 महीने का समर वेकेशन चल रहा है क्रोशिया में, तो आपका एम्प्लॉयर 2 महीने के लिए छुट्टी पे नहीं गया होगा। मित्रों, इस बात को आप थोड़ा सा समझिए। मैं मान सकता हूं 15 से 20 दिन के लिए वाकई में आपका एम्प्लॉयर छुट्टी पे जा सकता है या गया होगा, ये बात सत्य हो सकती है। और जो दूसरी बात मैं आपको कहूंगा, जो वर्क परमिट्स होते हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट इशू करता है, तो MUP कहते हैं, तो MUP का भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है। जब आपके वर्क परमिट का पेमेंट आपके एम्प्लॉयर कर देते हैं, जो भी उसकी गवर्नमेंट फीस है 74.32 यूरो सेंट होती है जो भी, तो उसका पेमेंट अगर आपके एम्प्लॉयर ने कर दिया है और उसके बाद जो MUP ऑफिसर्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर उनको मेल करते हैं आपके एम्प्लॉयर को कि आपके वर्क परमिट रेडी है, आप आके कलेक्ट कर लीजिए, तभी आपका एम्प्लॉयर वहां जाएगा और आपके वर्क परमिट जो उनको इशू हुए हैं वो कलेक्ट करेगा। तो एक बात ये भी कहूंगा कि MUP ऑफिसर भी, जो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी रोस्टर यानी छुट्टी पे जाते हैं, 15-15 दिन की छुट्टी पे वो भी जा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक मानव है, इंसान है, तो वो भी छुट्टी पे बिल्कुल जा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 महीने तक आपका परमिट नहीं आएगा। तो परमिट आने को
आ सकता है जब ऑफिसर हो सकता है छुट्टी पे गए हों, इस कारण परमिट थोड़े से डिले हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट एक साथ छुट्टी पे जाता है, तो इस बात को भी आपको समझना है। अगर आपके एसोसिएट्स कह रहे हैं जो कि जेन्यून प्रोसेस नहीं करते, केवल आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेके बैठे हैं और आपको स्क्रीनशॉट का प्रूफ भी नहीं देते हैं कि आपका वाकई में क्रोशा के अंदर वर्क परमिट का प्रोसेस हो चुका है, अप्लाई हो चुका है, तो उनके पास ये एक गुगली है, 2 महीने की गुगली दे देंगे आपको कि 2 महीने अभी समर वेकेशन है, आपका परमिट अब 2 महीने बाद आएगा। तो ये उन एसोसिएट्स के लिए है या उन एजेंट बंधु की गुगली हो सकती है, बाकी में जो जेन्यून प्रोसेस कर रहा है और आपको वाकई में आपका परमिट का पेमेंट हो चुका है तो आपको वेट करना चाहिए मित्रों, क्योंकि परमिट्स में फिर से कहूंगा आने को 2 मंथ्स में भी आते हैं, 3 मंथ्स में भी आते हैं, 4 मंथ्स में भी आते हैं। और अगर आपका मैं कहूँ जागृत सिटी से अप्लाई है तो मान के चलिए परमिट 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, अभी मैं कहूँ परमिट्स आ ही नहीं रहे जागृत से। सभी कंसल्टेंसी जो भी है वहां पर क्रोशिया के अंदर जो भी मैन पावर है या एजेंसीज है या जिसके भी माध्यम से आपका परमिट प्रोसेस हो रहा है, तो वो आउट ऑफ जागरिप आपकी फाइल का प्रोसेस कर रहे हैं, देखा होगा आपने। तो भले कंपनी जागरिप में रजिस्टर हो सकती है, बाकी परमिट्स क्या होते हैं, आउट ऑफ जागरिप अप्लाई हो रहे हैं तो आप अपने एजेंट से, एसोसिएट से या जिसके भी माध्यम से आप प्रोसेस करवाते हैं तो उनसे स्क्रीनशॉट का प्रूफ लीजिए, भले वो कितनी भी बड़ी कंसल्टेंसी हो, मैं यही कहूंगा उनको प्रेशर करिए। नहीं तो क्या हो रहा है मित्रों, आपके 6 से 8 महीने खराब हो जाएंगे और फिर आप लोग दूसरे लोगों को कॉल करते हैं कि हमारा 6 महीने हो चुका है, परमिट नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको एक्चुअल अपडेट आपका एजेंट दे सकता है और आपका राइट भी होता है, क्योंकि आप उसको कुछ पेमेंट करके आते हो, पार्शली पेमेंट, एडवांस पेमेंट, तो उनसे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर लीजिए। अगर नहीं देते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेटर, कई बार नहीं भी देते हैं, और साइन करके वो भी आगे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्राइवेसी करते हैं कुछ एसोसिएट्स, क्योंकि क्या होता है कुछ हमारे मित्र भी ऐसे हैं अगर उनको उनकी कंपनी का पता चल जाता है तो वो कंपनी को कॉल करते हैं, मेल करते हैं, तो कुछ कारण ये भी होते हैं। तो मित्रों आज है, आपको बताना चाहूंगा, 2 अगस्त फ्राइडे का दिन है, तो आज भी शाम को 5:30 से 6:30 आप अपना ऑनलाइन स्टेटस ट्रैक करिएगा। और अभी क्रोशियन एम्बेसी भारत के अंदर मई मंथ के फर्स्ट वीक तो मैं कहूंगा क्लियर हो ही चुका है, कोई भी मेरे पास ऐसा कमेंट बाकी नहीं है कि हमारा 2 मई का सबमिशन था, 3 मई का सबमिशन था, हमारा अभी नहीं आया। तो जो सेकंड वीक था हमारा, 6 से लेकर 10 वाले मित्र फंसे हुए, सबसे ज्यादा 10 मई और 14 मई वाले मित्र भी बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, तो उनको धीरज रखना है, क्योंकि हमारे पास कल 24 मई के डिसीजन आ चुके हैं। तो समझिए आपका भी डिसीजन किसी भी दिन आ सकता है, आज भी आ सकता है 2 अगस्त, नहीं तो 6 से 9 अगस्त को किसी भी वर्किंग डे में आपका फाइल का डिसीजन आ सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, 60 से 80 दिन में प्रोसेस हो रहा है 80% फाइल में, तो आशा करता हूं आज भी 2 अगस्त है, बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच का मैसेज मिले। तो करता हूं आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।